हाँ तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा cowin.government.in। देखिए मैंने सर्च कर दिया है, यहाँ पर आप एक वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसने सिंगल डोज, किसने डबल डोज, कितनी कितनी लगवाई, सब आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी नीचे। अब आपको अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में। मैं अभी इंग्लिश में कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको पीला बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ लिखा है रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एक और पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको OTP प्राप्त करे पे क्लिक कर देना है। मेरे मोबाइल पर OTP आ चुकी है। OTP आपको 180 सेकंड के अंदर अंदर डाल देनी है। यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा सदस्य पंजीकृत करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आधार कार्ड से कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड, वोटर ID, जो आपकी मर्जी हो। मैं आधार कार्ड से करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है, मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको जो आपका नाम हुआ आधार कार्ड पर वही नाम डाल देना है। उसके बाद आपका जेंडर मेल फीमेल अदर। उसके बाद आपको ईयर ऑफ बर्थ डाल देनी है, यहाँ पर सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ डालनी है, डेट नहीं डालनी है, ईयर ऑफ बर्थ। यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए ऊपर आ चुका है लाभार्थी सफलतापूर्वक पंजीकृत है, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। अगर आप और सदस्य जोड़ना चाहते हैं, यहाँ सदस्य जोड़ इस पर आप क्लिक करके आप और सदस्य सेम प्रोसेस से वही सब चीज़ डाल कर और सदस्य जोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो कोरोना की मिलती रहेगी जिससे आपको आगे लाभ हो सके, ऐसी वीडियो मिलती, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।